दोस्तों, ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड चल रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार घर से कौन होने वाला है बेघर और कौन इस रेस में टिके रहने वाला है। दरअसल इस वीक की शुरुआत ही बहुत ही धमाकेदार हुई है, जहां पहले तो ये बताया जा रहा था कि मास एविक्शन होने वाला है, जहां हफ्ते की शुरुआत में ही नावेद एलिमिनेट हो गए हैं, वहीं नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। 5 नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें अनुराग, सना, अंकिता, जिग्ना और तहलका यानी कि सनी आ रहा है, जिनमें से वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से जो 5th नंबर पर चल रहा है यानी कि बॉटम में, वो है जिग्ना वोरा। जी हाँ, घर के अंदर भी जिग्ना वोरा कुछ खास करते हुए नजर नहीं आ रही है और घर के बाहर भी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग नहीं है जो कि उनको सपोर्ट करे। हालांकि इनिशियल डेज में ही बिग बॉस ने उन्हें गोल्डन चांस दिया था, जब बहुत ही इमोशनली ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो चुकी थी मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन इसके बाद भी जिग्ना वोरा काफ़ी ज़्यादा शांत दिखाई दी है घर पर। वहीं 4th नंबर पर नाम है सना रईस खान का। सना रईस खान जैसे ही नॉमिनेशन में आती है वैसे ही एक्टिव होती है, लेकिन इसके अलावा घर के अंदर वो कुछ भी करते हुए नजर नहीं आती है। वहीं विकी के साथ उनके कई क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि कभी सना विकी का और कभी विकी सना का हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और ऑडियंस अंकिता के लिए बुरा फील कर रहे हैं। वहीं 3rd नंबर पर नाम है सनी आर्य यानी कि तहलका का। तहलका भी घर के अंदर इतना नजर नहीं आते हैं, लेकिन अरुण के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा पसंद की जा रही है, जहां दोनों एक साथ एक शो भी चलाते हैं बिग बॉस के घर के अंदर। और वहीं कभी भी अरुण की कोई लड़ाई होती है तो उसमें भी तहलका हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं, जो चीज ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और घर के बाहर भी सनी आर्य की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा तगड़ी है, जो उनको हमेशा से ही बचाते हुए आई है नॉमिनेशन में। वहीं 2nd नंबर पे नाम है अंकिता लोखंडे का। जी हाँ, अगर टॉप 1 की बात करें तो यहाँ पर बाजी मार ली है अनुराग दोबाल ने, जबकि अनुराग दोबाल भी घर के अंदर कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बाहर जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो इतनी ज्यादा है कि अनुराग दोबाल को टॉप 1 पे लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। वहीं टॉप 2 यानी कि अंकिता लोखंडे की बात करें तो वो हर मुद्दे पे नजर आती है, एक्टिव नजर आती है घर के अंदर, और बाहर भी उनके फैंस काफी ज्यादा है जो उनको हर नॉमिनेशन से बचाते हुए आए हैं। तो वहीं वोटिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो इस बार बॉटम में है जिग्ना और सना, और अब अगर सना और जिग्ना में से घर के अंदर कोई इंटरनली वोट आउट टास्क नहीं हुआ तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार घर से बेघर जिग्ना वोरा ही होंगी। वेल, आपको क्या लगता है कि इस बार किसका पत्ता कटेगा, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।